नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया। हालांकि विशेष सत्र को बुलाए जाने का एजेंडा अभी भी साफ नहीं हो पाया, लेकिन संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर विपक्ष केंद्र पर हमला बोल रहा है। बता दें कि विशेष सत्र के कामकाज का पहला दिन यानी 18 सितंबर को पुराने संसद में होगा, जबकि 19 सितंबर को दूसरे दिन की कार्रवाई गणेश चतुर्थी के मौके पर विधिवत पूजा के साथ नए संसद भवन में एंट्री होगी। इस बीच अब नई संसद को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक नए संसद भवन में काम करने वाले कर्मचारियों की ड्रेस बदली जाएगी। पुरुष कर्मचारी सफारी सूट के स्थान पर कुर्ता पैजामा पहनेंगे, वहीं महिला कर्मचारी नई डिजाइन की साड़ी पहनेंगी। यानी नए संसद में प्रवेश के साथ साथ कर्मचारियों का लुक भी बदल जाएगा और पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन सभी कर्मचारी नई ड्रेस में दिखाई देंगे। बताया जा रहा है कि निफ्ट ने यह नई ड्रेस को डिजाइन किया है, जिसके मुताबिक सचिवालय के कर्मचारियों का बंद गला सूट से चेंज करके मैजेंटा या डार्क गुलाबी कलर की नेहरू जैकेट होगी। बता दें कि संसद के दोनों सदन के मार्शल और सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों की ड्रेस भी बदली हो जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा के मार्शल अब सिर पर मणिपुर टोपी पहने दिखाई देंगे। गौरतलब है कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में पहली मर्तबा है जब पहली बार पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल ला सकती है सरकार, जिसको लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद के विशेष सत्र में महंगाई बेरोजगारी समेत नए मुद्दों पर चर्चा कराए जाने की मांग रखी। इसके अलावा सोनिया गांधी ने चिट्ठी में विशेष सत्र बुलाए जाने पर भी सवाल उठाए थे, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी को जवाब देते हुए कहा था कि सामान्य प्रक्रिया के तहत ही स्पेशल सेशन रखा गया है। संसद भवन के स्टाफ के ड्रेस में बदलाव हुआ है। जो नए कपड़े आए हैं उनमें कमल के फूल वाली शर्ट है। इस शर्ट के साथ खाकी पैंट है जो संसद के स्टाफ के लिए मंगवाई गई है। ड्रेस पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। 19 सितंबर को नए संसद भवन में विशेष सत्र शुरू होगा। वैसे तो सत्र की शुरुआत 18 सितंबर को पुराने संसद भवन से हो जाएगी, लेकिन 19 तारीख को गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर सत्र नए संसद भवन में शिफ्ट होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि नए संसद भवन में स्टाफ के लिए नई नई ड्रेस भी आ चुकी है। संसद भवन के स्टाफ की नई ड्रेस में इस बार मणिपुर की पगड़ी को शामिल किया गया है। इसके अलावा मिलिट्री के जैसे कैम्फ्लेज ड्रेस भी स्टाफ के लिए कपड़ों में है। सचिवालय के कर्मचारी पहले बंद गले का सूट पहनते थे, लेकिन अब उन्हें कमल के फूल वाली शर्ट, खाकी पैंट और नेहरू जैकेट दी जाएगी और ये ड्रेस टेबल ऑफिस, संसदीय रिपोर्टिंग टीम और नोटिस ऑफिस के कर्मचारी पहनेंगे। इसी की तरह संसद भवन के सुरक्षा कर्मियों की वेशभूषा भी बदल जाएगी। अभी तक ये सुरक्षा कर्मी सफारी सूट पहनते थे, लेकिन अब इन्हें मिलिट्री की तरह कैमोफ्लेज ड्रेस दी जाएगी और इस ड्रेस में भी दो अलग अलग शेड दिए हुए हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस ड्रेस कोड में जो ध्यान रखने वाली बात है, जो फोकस करने वाली बात है, वो ये कि इनकी जो ड्रेस है उसमें कमल का फूल बना हुआ है, जो विपक्षी दलों के को कहीं ना कहीं नागवार गुजर रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और अलग अलग मुद्दों पर भी आज हम बातचीत करेंगे। विशेष सत्र को लेकर जो यहाँ पर बुलाया जा रहा है, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ विष्णु दत्त जी जुड़ चुके हैं और विष्णु दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महंत है, बहुत बहुत स्वागत है। और अमित चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर कि जो ड्रेस कोड चेंज किया गया है, इस पर कमल के फूल का निशान जो है वो लगाया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को बहुत नागवार गुजर रहा है। अमित चंद्रकार जी, इस पर आपका रिएक्शन पहले। पहले तो दर्शकों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ आप लोगों का, मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपने बुलाया। बात ये जो विषय आ रही है कि जो नए संसद सत्र जो अभी नया चालू होगा उसमें जो ड्रेस कोड लगाया गया है, ड्रेस कोड अच्छी बात है, सरकार का एक अधिकार है, वो अपने ड्रेस कोड लगा सकती है। लेकिन बात आ रही है, जहां विवाद आ रही, जो ड्रेस पर जो कमल का फूल, भाई ये देश में यथावत है कि कमल का फूल एक राष्ट्रीय पार्टी को चिन्हांकित है चुनाव चिन्ह के लिए, और इसको ये ऐसा लग रहा है कि सरकार ने तैयारी के साथ और पूरे प्लानिंग के साथ इस कमल का फूल को उस ड्रेस पर लगाया है। भाई हम ये जानते हैं कि कंपनी के कॉपीराइट्स में भी नियम है कि 70-80% भी अगर
कोई डिजाइन मैच करता है उसको अधिकार नहीं है किसी दूसरे कंपनी को लगाने का। यहाँ पर उन्होंने पूरा अपना चुनावी चिन्ह जो कमल का फूल और कपड़े वो संसद के जो ड्रेस कोड है उस पर लगा लिया। तो ये तो गलत है ना भाई। इस देश में ठीक है सत्ता आपको इस देश की जनता ने दिया है, इसका दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं दिया। आप अपने निर्णय ले सकते हैं लेकिन ऐसे कोई भी विवादित निर्णय लेने का अधिकार आपको नहीं है। आप अपने योजनाओं से देश को बताइए ना आप क्या करना नहीं, चाहते अमित हैं। चंद्रिका जी देखिए उनकी तरफ से कहा जा रहा है कमल का फूल जो है वो काफी शुभ माना जाता है और कमल का फूल कोई पार्टी का चिन्ह है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसलिए हम कमल का फूल शर्ट में नहीं हो सकता। भाई कमल का फूल शुभ माना जाता है वो देखिए भारतीय जनता पार्टी धर्म को सामने लगा के ये लड़ाई ना करे, बंदूक ना लगाए। भाई अपने योजनाओं से बताए ना भाई। भाई यो आप तो बहुत बड़े आपने जॉर्ज जज बड़ा G20 भी आयोजन किया उसके लिए बधाई पात्र है भाई, लेकिन आपने अपने योजनाओं से आप देश को बताइए ना कमल का फूल की आवश्यकता आपको क्यों आवश्यकता पड़ रही है। शुभ शुभ तो बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर। कमल का फूल भाई माता लक्ष्मी का वास होता है, ये बिल्कुल हर हम हिंदुओं के लिए आस्था का विषय है। आप आस्था के साथ आप अपने राजनीतिक चीज को मत से किया, आप अपने योजनाओं से बताइए। आपने विशेष सत्र बुलाया है, विशेष सत्र में भी आपने किसी को कोई एजेंडा नहीं बताया है। हमारी अध्यक्षा ने आपको पत्र लिखा लेकिन जवाब आपने दे दिया कि ये मान्य है। अरे भाई जब ये विशेष सत्र है आपको एजेंडा के साथ आ रहे होंगे ना भाई, विपक्ष को भी तो अपनी प्लानिंग अपना रिसर्च की जरूरत पड़ेगी भाई, चर्चा में लगेंगे। तो भाई आपने क्यों खुलासा नहीं किया, बता ऐसा क्या आप ला रहे हैं जो छुपा रहे हैं। भाई आपका तो लोकसभा में पूरा अधिकार है, आपके पास तो मेजोरिटी है भाई, अच्छा चीज है तो बताइए ना भाई, हम भी आपको साथ देंगे, लेकिन आप बताइए तो एक बार। और रही बात इसको सिंबॉलिक है, देखिए चुनाव में सिंबॉल का यूज जो सिंबॉल यूज होता है आप सामान्य इसमें कर नहीं सकते, विशेष नहीं करना चाहिए इसका। मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसका दुरुपयोग कर रही है। ठीक है, पूर्व राज्य मंत्री भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मोहम्मद अब्बास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सपा से। मोहम्मद अब्बास जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? सब में भारतीय जनता पार्टी चुनावी वर्ष मानते हुए पूरा जी समिट जो बहुत गंभीर मुद्दों पे होना था, पूरा जी समिट जो जर्मनी ने कराया तो मात्र 654 करोड़ रुपये में कराया जो विकसित देश है, उस जी समिट को हजारों हजार करोड़ में खर्च करके सिर्फ एक व्यक्ति का प्रचार करके हर 35 मीटर के खंभे पर मोदी जी का फोटो, हर जगह मोदी जी, ना राष्ट्रपति कहीं, ना राष्ट्रपिता कहीं, ना देश की धरोहर है कहीं, सिर्फ एक आदमी का प्रचार जिसे 2024 में प्रधानमंत्री की होड़ में शामिल है। जनता के बुनियादी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, गरीब का, किसान का, नौजवान का, बेरोजगार का, बढ़ती बेरोजगारी का, मणिपुर पे अबलाओं की असमत लुटती असमत पे कोई शब्द नहीं, कोई बात नहीं। प्रेस को सेंसर कर दिया, विदेशों से आए मेहमानों को भी नहीं बोलने दिया गया, कुछ नहीं, कोई प्रेस। प्रेस का आज तक किसी भी दुनिया का पहला जी समिट होगा जिसमें प्रेस को कोई सवाल पूछने का अधिकार नहीं था। बाहर मुल्कों में जो हमारी छी 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 उड़ रही है कि भारत में प्रेस की आजादी पर, क्या बोले बाइडन, क्या बोले कि हमने मोदी जी को कहा है कि प्रेस को आजादी दो, क्या कि मजाक नहीं बनना देश का? अपनी चुनावी आकांक्षाओं के मद्देनजर ये जो ड्रेस कोड चेंज करना, ये चेंज करना, नाम बदल देना, ये कर देना, अरे भाई देश में 124 करोड़ 40 करोड़ का देश है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा है, लोगों का स्वास्थ्य का मामला है, उन सब चीजों से बातों से हटाकर ये ऐसी चीज लाते हैं जिसमें लोग अपने बुनियादी सवालों से हट जाएं। इसी क्रम में ये विशेष सत्र है, ये जरूर चुनावी एजेंडा इनका होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज लाएंगे जिससे देश बुनियादी सवालों से हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये कुछ भी पहना दे, कोई नाम बदल दे, इंडिया जिसे संविधान में भारत भी कहा गया है, इंडिया नाम से बनाए गठबंधन जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में घोसी का उपचुनाव हुआ, ये मामूली बात है, पूरी सरकार की ताकत लगाकर इतने वोटों से हराया, अखिलेश जी का कुशल नेतृत्व है, साबित कर दिया कि भारत का पांचवा भाग 80 सीटें लगभग हैं,
20% लगभग आता है, 20% से कुछ कम उत्तर प्रदेश की सीटें हैं। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। घोषी तो झांकी है, लोकसभा का चुनाव बाकी है। ये कुछ कर ले, कोई भी कुकर्म कर ले, कुछ कर ले, कुछ नहीं होने वाला। जनता ने मन बना लिया है। चलिए वापस आएंगे मोहम्मद अब्बास जी आपके पास। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके, वरिष्ठ पत्रकार है। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विश्वदास जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए कमल के फूल को बड़ा शुभ बताकर अब वो शर्ट्स में भी है और इसको लेकर अब राजनीति कहीं ना कहीं बहुत तेज शुरू होगी। इस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगे मैं, उसके बाद सनातन पर बात करेंगे। देखिए मेरा नहीं कह सकते आलोक जी, मैं आऊंगी आपके पास। विष्णुदास जी जी हमारा यही कहना है, मैं किसी पार्टी से तो नहीं हूँ, मगर हमारा कहना यह है कि योगी मोदी के राज में ही राम राज देखने को मिला है। चाहे 370 धारा हो, चाहे कोई भी कार्य हो, हर मोदी जी ने हर सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। और हम संत समाज को और सभी को यह विश्वास है कि 2024 में वो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे। और जो कमल का चिन्ह है, तो कमल का चिन्ह के विषय में हमारे शास्त्रों में ही है कि शांता कारम शिखर सैनम नीलकंठम सुरेशम विश्वाधारम स्फटिक सदृशम शुभ वर्णम शुभांगम गौरी कांतम त्रितेनेनम योग विध्यान गम्यम। ये जो कमल का चिन्ह है, वो कमल चिन्ह वस्त्र पे भी अगर लागू हो रहा है, कपड़ों में लागू हो रहा है और ड्रेस में लागू हो रहा है, तो कोई अनुचित नहीं है, उचित है। संत समाज इसका समर्थक करता है, हमारे हिंदू भाई समर्थक करते हैं, क्योंकि चाहे वो लेडीज हो चाहे जींस हो, अगर वो अलग अलग साड़ी में अलग अलग वस्त्र में कमल चिन्ह लगा है तो वो उचित है, हमारा यही कहना है इससे। ठीक है विष्णु जी, हम वापस आएंगे आपके पास। आलोक त्रिपाठी जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो ड्रेस कोड में बदलाव किया गया है, अब ये कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा विपक्षी दलों को मिला कि कमल का फूल जो है वो क्यों ड्रेस कोड में लगा रखा है। देखिए ये तो क्यों ये हो रहा है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन ड्रेस कोड में कमल का फूल ये तो उचित नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि तो वो ड्रेस है और किसी भी ड्रेस में संस्था का कोई संवैधानिक हो तो उसका तो समझ में आता है, लेकिन चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है तो इसको एक उसमें किसी के ड्रेस पर लगाना ये अनुचित है। और ये क्यों हो रहा है या होगा भी कि नहीं अभी ये तो अभी बाद में ही क्लियर होगा। बिल्कुल आलोक जी, और विशेष सत्र भी, अब जैसे विशेष सत्र को लेकर अगर बात की जाए तो उसे कहा गया कि ये ऐसे ही विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है, अब ड्रेस बदलने के लिए तो विशेष सत्र बुलाया नहीं गया होगा। जी नहीं, विशेष सत्र तो कई और कारण होंगे, लेकिन उसमें ये बात भी हो सकती है, ये मुद्दा भी होगा और हो सकता है इस तरह के प्लान करके वो देखना चाहते हो कितना इसका विरोध हो, क्योंकि विशेष सत्र इस ड्रेस कोड बदलने को लेकर के तो नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कुछ और भी मुद्दे होंगे और भी तमाम चीजें होंगी, लेकिन उस तमाम चीजों के बीच में ये ड्रेस कोड भी शायद वहां उस मामले में मुद्दे में रखेंगे, लेकिन उसमें कमल का फूल होगा ये अभी क्लियर नहीं। ठीक है आलोक जी, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर प्रदेश सचिव कांग्रेस अमित चंद्रकांत जी भी लगातार बने हुए हैं। अमित जी देखिए, विशेष सत्र को लेकर भी सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए, और उन्होंने चिट्ठी में इस विशेष सत्र को लेकर भी सवाल उठाए थे। हालांकि जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है कि आखिर ये विशेष सत्र क्यों, हालांकि जो अंदर खाने से निकल कर आ रहा है वो वन नेशन वन इलेक्शन है, लेकिन इस पर भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का कहना यही था, अगर विशेष सत्र है ये, तो विशेष सत्र है तो कुछ ना कुछ एजेंडा तो होगा भाई। चार दिन अगर आप संसद भवन लगा रहे हैं है ना, उसमें कुछ ना कुछ एजेंडा होगा, तो एजेंडा के बारे में हमारी अध्यक्ष ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा था, एजेंडा क्या है आप स्पष्टीकरण दीजिए बताइए भाई। इस बात को समझना भी जरूरी है कि विपक्ष
में भी तो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, उन्हें भी तो जानने का हक है कि सत्र आखिर बुलाया किस लिए जा रहा है ना भाई, उनको भी अपना अपना वर्कआउट करने की जरूरत है। उसमें तो कोई जवाब ही नहीं मिला, सरकार ने गोलमोल रवैया अपनाया। ठीक है, हमारे साथ जेपी लोहिया जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता है। जेपी लोहिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आज दो मुद्दे जिन पर हम बातचीत कर रहे हैं। पहला तो ये कि ड्रेस कोड चेंज किया गया, और ड्रेस कोड चेंज किया गया ये आपत्ति नहीं है, आपत्ति ये है कि ड्रेस कोड में कमल का फूल क्यों है। और दूसरा, आज हम बात कर रहे हैं विशेष सत्र पर भी, कि ये जो विशेष सत्र आहूत किया गया है इसको लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये विशेष सत्र आहूत किया गया है तो आखिर विपक्ष को क्यों नहीं पता है कि इसमें क्या मुद्दे होने वाले हैं। देखिए, मैं इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दो मुद्दे जो आपने बताए हैं दोनों पर मैं अपनी बात अपनी राय रखना चाहता हूँ। एक बात तो ये कि जब सत्र लगाया जाता है तो निश्चित तौर पर जो भी चुने हुए नुमाइंदे होते हैं सदन के, उन सभी को इस बात के बारे में बताया जाता है, यहाँ तक कि उनको हार्ड कॉपी भी दी जाती है जिस विषय पर सत्र को बुलाया जाता है। ये थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, जब सत्र से पहले ये सारी चीजें उनके सामने होंगी निश्चित तौर पर, और जब उनके सामने होंगी तो निश्चित तौर पर सदन के पटल पर जब जो चीजें आएंगी, जो भी कानून आएगा, जो भी बातें रखी जाएंगी, वो देश के सामने होंगी। ऐसा इसमें छुपाने वाली कोई बात है नहीं जिस पर विपक्ष इतना हवा मचा रहा है। दूसरी बात, जहां तक आपने ड्रेस कोड की बात की है, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि नई संसद है, नया देश है, नया देश कोड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष वालों को क्या आपत्ति है जब नई संसद है, अगर नया देश वहां से हमारे सभी आपत्ति ड्रेस कोड से नहीं है ना, आपत्ति आपत्ति आपके कमल के फूल से है, आपत्ति आपके कमल के फूल से है कि आखिर कमल का फूल का ड्रेस कोड में क्या काम। आप कुछ और भी तो ड्रेस कोड रख सकते थे, कमल के फूल को इतना ज्यादा विस्तार करने की क्या जरूरत है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अभी तक निश्चित ये निश्चित नहीं है कि देश पर कोई कमल का फूल की कोई कॉपी है, और अगर अगर कमल के फूल की अगर कोई चिन्ह स्मृति बनी हुई भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि कमल का जो फूल होता है वो आप समझते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के लिए कमल का फूल एक कितना शुद्ध होता है, पूजा पाठ में भी काम में आता है। निश्चित तौर पर अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था रखी गई है तो विपक्ष वालों को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कमल का फूल खाली भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान नहीं है। कमल का फूल हमारे प्राण पद्धति में भी, हमारे आध्यात्मिक पद्धति में भी कमल के फूल को इस्तेमाल किया जाता है, पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको एक ही दृष्टि से ना देख करके, इसको संकुचित दृष्टि से ना देख करके, इसको एक समुचित देश में अच्छी व्यवस्था के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। नहीं, शुभ तो बहुत सारी चीजें होती है, शुभ तो स्वास्तिक भी होता है, स्वास्तिक नहीं कुछ और नहीं, सीधे कमल का फूल। देखिए, सवाल तो उठेंगे ही ना, आखिर हर जगह कमल का फूल अगर आप लगा देंगे तो विपक्ष कहाँ जाएगा। जी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, और आप लोगों ने देखा होगा जब इसराइल से जब राफेल को लेने के लिए हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी गए थे, और आपने अपने टीवी के माध्यम से भी दिखाया था हमारे जब रक्षा मंत्री जी ने जब राफेल को स्वास्तिक का जब निशान बनाया था तो उस पर भी इन लोगों ने आपत्ति उठाई थी। ये भी हमें सोचना, इनके लिए कौन भी शुभ कार्य किया जाए, ये मोदी विरोध के साथ साथ ये देश का भी विरोध करने लगे, ये शिक्षित का भी विरोध करने लगे, ये धर्म का भी विरोध करने लगे, तो ये इतने निचले स्तर पर आ गिरे हैं। ये जो घमंडिया गठबंधन वाले के लोग हैं, जो दलित गठबंधन वाले के लोग हैं, जो आज ये देश तोड़ पर भी सवाल उठा रहे हैं, इन लोगों ने जब देश के अंदर देश की सेना के लिए, देश की रक्षा के लिए जब राफेल आया था उस पर भी इन्होंने आपत्ति उठाई थी स्वास्तिक। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। मोहम्मद अब्बास जी, क्या कुछ कहना चाहते थे कि जो जेपी लोहिया जी ने बहुत सारी बातों का स्पष्टीकरण दिया। देखिए, मैं समझता हूँ कमल शुभ है, लेकिन सबसे ज्यादा शुभ होती साइकिल। आम आदमी, गरीब आदमी बिना तेल के, बिना उसके अपने बच्चों को बैठा के, अपना सामान लद के, तो एक साइकिल भी चिपका दे, सबकी ड्रेस पे एक साइकिल चिपका दे, और ये कर दे
कि देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए संसद में जितने कर्मचारी हो साइकिल पाया करेंगे, वो ज्यादा शुभ है, ये करेंगे ज्यादा अच्छा होगा, गरीब आदमी को भी लाभ हो जाएगा। करें ना फिर शुभ काम सिर्फ आपकी मर्जी का क्यों, शुभ तो सबको हो ना। संविधान की मूल भावना के खिलाफ जो भी काम करेगी भाजपा जनता पार्टी, हम उसका विरोध करेंगे। मेरा कहना है संविधान की मूल भावना को समझा जाए, ये किसी एक का नहीं है देश, सबका है, सबका विकास ही देश भी सबका है, और संविधान की मूल भावना सबके लिए है, सब संसाधनों पर सबका अधिकार, आरक्षण खत्म करके फैल गए, ये सब सबका विकास नहीं कर रहे, ये सिर्फ कुछ लोगों का अडानी की फोटो लगा लेना ज्यादा अच्छा लगेगा, जिसके लिए काम करो, जिसको सब दे रहे हो उसका लगा लो, सीधा खुल के क्यों ये इस सब की आड़ में क्या काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ईडी के छापे पड़ रहा है, सीबीआई के छापे पड़ रहा है, और गोल मोल बात कभी कुछ, जो देश के मूल मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, जिससे देश का विकास होना है, उस सारी बातों पर मोदी जी चुप हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते। अब्बास भाई अभी बहुत ज्यादा देर हुई नहीं है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कर्नाटक की सरकार ने अभी जो कुछ दिनों पहले जो नोटिफिकेशन निकाला, आपने सबके विकास की बात की ना, सबके लाभ की बात की ना, तो कम से कम अगर आपके अंदर जरा भी नैतिकता, जरा भी इंसानियत अगर आप लोगों की आपकी पार्टी के बच्चे हुई है, तो आपको उस बात का विरोध करना चाहिए था जो कर्नाटक की सरकार ने केवल केवल एक समुदाय के लिए स्वावलंबी योजना के अंतर्गत आने वाली सब्सिडी के लिए किया था। उन्होंने 80-80 कैटेगरी को भी डाल करके और केवल एक समुदाय के लिए जो व्यवस्था बनाई है, क्या आपको ये दिखाई नहीं पड़ती देश के अंदर तुष्टिकरण की राजनीति? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, एक समुदाय के लिए कुछ नहीं है। आप निराधार हो। अमित चंद्रकार जी, अमित चंद्रकार जी, मैं कह रहा हूँ, मुझे मालूम है सबके लिए। आप ये झूठ बोलकर एक गलत बात है, जिम्मेदार चैनल पे झूठ बात नहीं करनी चाहिए। ये भाजपा का दफ्तर हो सकता है, कैसे कहते हैं मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कर्नाटक का बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, है ना। सरकार ने किसी एक समुदाय के लिए नहीं लाया है, इसको बता रहा हूँ पहले, है ना। एक समुदाय के लिए लाया, दिखाया हमें एक समुदाय के लिए है वो करके, है ना। योजनाएं सभी के लिए है ना। तो यहाँ पर कृपया करके जो बातें हैं, मूल बातें जो हैं, आप उनसे ना भटके, है ना। हम मुद्दे पे चर्चा करें, कमल का फूल को वहां क्यों लगाया गया है ड्रेस कोड में? भाई इस देश में सबसे आज के सामान्य आदमी का मानना है, जो आज जो जी नहीं पा रहा है इस महंगाई में, इतने जो समस्याएं से गुजर रहे हैं, है ना, कि भाई सरकार इतने बड़े बड़े डेटा फिगर दिखा रहे हैं कि महंगाई का देखो उस खुदरा मूल्य का कीमत का दर कम हो गया, महंगाई कम हो गई, लेकिन जमीन में जब जाए धरातल में जा रहे हैं तो सामान का कहाँ रेट कम हो रहा है? हम उस पर बात ना करके, हम उस पर चर्चा ना करके आप किसी और योजना, किसी अन्य प्रदेशों की योजना पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी इसका कोई अर्थ ही नहीं है। भाई हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि देश की जनता आज के डेट में हमसे बहुत उम्मीद लगा के बैठी है और हम उनको दे क्या रहे हैं, समझना यहाँ पर पड़ेगा। मेरे लोहिया जी से मैं बोलना चाहूंगा कि देश के लिए और इन आम नागरिक के लिए आप योजना बनाए, आप बहुत सी योजनाएं आपको बड़े बड़ी कारपोरेट कल्चर लोग के लिए आपने बना लिए, उनको बहुत फल फुला दिए आपने, लेकिन आम जनता कहां मजबूत हुआ? आम जनता आज भी उसी में स्ट्रगल में चल रहा है जो आज से 2014 में से चालू हुआ था, आज वो स्ट्रगल से चल रहा है। जेपी लोहिया जी, हमें इस बात को समझनी पड़ेगी, ये बहुत गंभीर विषय है। हम आज किस पे चर्चा कर रहे हैं बताइए? कमल का फूल पे हम आज डिस्कस करना पड़ रहा है। भाई मैं, हमारा बोलना ये है कि मोदी सरकार अगर इतना प्रचार कर रही है, इतना बड़े बड़े बातें कर रही है, अपनी योजनाओं से बताए ना देश की जनता को कि हम ऐसा कि हम योजना भी बता नहीं पाते,
महंगाई को हम करनी कम चलिए कर पाते। ठीक है, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से ड्रेस कोड, नई सदन में नई ड्रेस और उसका ड्रेस कोड में कमल का फूल जो है वो विराजमान है, जिसका विपक्षी दल विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और मंथन में आज बात नई संसद की, नई ड्रेस कोड ने कहीं ना कहीं बवाल मचा दिया है जिसमें कमल का फूल है और उसको लेकर विपक्षी दल जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और विशेष सत्र भी साथ ही साथ जो आहूत किया गया है उसको लेकर भी कई सवाल इससे पहले खड़े हो चुके हैं। विष्णुदास जी, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल आपसे है कि सनातन को लेकर भी बड़ी सारी प्रतिक्रियाएं, बड़े सारे रिएक्शंस जो हैं वो अभी तक आए हैं, उन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक के बाद एक हम देख रहे हैं सनातन धर्म पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन उनका खंडन भी कोई नहीं कर रहा है, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय निकल कर आ रही। कहना है कि ये देशद्रोही है, क्योंकि इसलिए कहना पड़ रहा है कि ये भारत मेरे राम की भूमि है, मेरे कृष्ण की भूमि है, और इस प्रकार सनातन अनंत है, सनातन को हिंदू और सनातन धर्म है, सनातन धर्म को लेकर के जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य और जिस प्रकार ये सब कांग्रेस के जो नेता हैं, मंत्री हैं, इस प्रकार उदयनिधि ये सब बोलते हैं, ये उनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, वो पागल हो चुके हैं। इसलिए हम पागल बता रहे हैं कि संस्कृति हमारे संस्कृति हमको सिखाती है, दिशा बताती है। संस्कृत में पिता और गुरु और कैसा सम्मान चाहिए करना वो बताती है, संस्कृत में कैसे पूजा पाठ करना चाहिए वो बताती, संस्कृति दिशा बताती है, जीवन के रहनी सहनी बताती है। मगर इस प्रकार दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे भारत में ऐसे लोगों को मंत्री का पद दे दिया जाता है, ऐसे लोगों को मंत्री दिया जाता है बनाना। मेरा ये कहना है कि उनको कोई ज्ञान नहीं है, वो हमारे पास आ करके अगर संस्कृति सनातन धर्म का एक सा का मतलब बता दे तो हम सनातन धर्म को छोड़ देंगे, और अगर वो नहीं बता पाए तो मंत्री पद छोड़ दे। ऐसे नेता जो राजनीति करने के लिए हमारे संस्कृति सनातन धर्म का इस्तेमाल जानते हैं करना, हमारे धर्म पर टिप्पणी करना चाहते हैं, ये बताइए आप कि क्या किसी धर्म के विषय पे बोलना क्या जरूरी है, गलत टिप्पणी करना जरूरी है, उसका अपमान करना जरूरी है? हमारी संस्कृति हिंदू का आस्था है, केंद्र है, अखंड सनातन धर्म था, है, रहेगा। मिटाने वाले स्वयं मिट गए, मिटाने वाले स्वयं मिट गए, मुलायम सिंह को दे, मुलायम सिंह यही अयोध्या में गोली चलवाए थे, आज देखो उनका क्या हालत हो रहा है। और ये आजम खान संस्कृति सनातन धर्म के विषय बोलता था और अन्य नेता बोलते थे। हमारी बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वो सनातन धर्म के विषय पे नहीं, सनातन धर्म को मानती है, सनातन धर्म को लेके चलती है। इसीलिए बीजेपी एक पार्टी नहीं है, बीजेपी राम के है और राम बीजेपी का है। जो राम को मानता है उसको राम मानते हैं और जो राम को नहीं मानता उसको राम नहीं मानते, क्योंकि हर व्यापक सर्वत समाना, प्रेम से हो ये प्रकट में जाना, भगवान सब जगह व्यापक है, सबके लिए है। मगर इसमें यह कहना चाहता हूँ, जिसका मन निर्मल है, जिसके अंदर छल कपट नहीं, सतमार्ग पे चलता है, उसको राम जी अधिक प्यारे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अमित चंद्र काजी, देखिए जो हमारे साथ जो बैठे हुए हैं गुरुजी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वो भाजपा को बैकअप ना करें। अगर बैकअप ही कर रहे हैं तो लोहिया जी को बोलिए आप हट के उनको बैठा दीजिए, है ना, भाजपा का झंडा पकड़ा दीजिए, भाजपा का जो भी है वो व्यवस्था दे दीजिए उनको, है ना भाई जी। आप देखिए, आप धर्म के बारे में आप लोग बिल्कुल बोलिए ना, आप धर्म के बारे में बोलिए, आप ये बोल रहे कि भाजपा ऐसी कर रही है, अरे ये भाजपा ज्वाइन कर लीजिए भाई, भाजपा तो धर्म के आड़ में राजनीति कर रही है, धर्म को सामने रख के गोली चलाना चाहती है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मगर राम मेरे रामो सत्यम जगत मिथ्या राम की आप रूप है, पार्टी के से कम भी नहीं बोल रहे आप। मैं आपके पार्टी के विषय में बोल रहे, मैं पार्टी के विषय में नहीं बोल रहा हूँ, पार्टी के विषय में, पार्टी की जगह आप बोल रहे हैं। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं,
नहीं आप ठीक है कह रहे हैं ठीक है ठीक है विष्णुदास जी विष्णुदास जी इस बार भाई आपको बैकअप करने तो बीजेपी ज्वाइन करके बोली बहुत अच्छी बात अमित जी देखिए सनातन हमारा मुद्दा नहीं है, सुनिए मेरी, ठीक है सनातन हमारा मुद्दा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आपने, आप खुद जानते हैं कि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सनातन पर इस बार हुई हैं, हालांकि मैं उस डिबेट पर नहीं जाना चाहती हूं, लेकिन विष्णुदास जी की अपनी राय है, अगर वो किसी, मैं कह रही हूं अगर वो किसी पार्टी की तरफ से भी बोल रहे हैं तो वो उनका अपना व्यक्तिगत मसला है, वो अगर कांग्रेस की तरफ से बोले या फिर सपा की तरफ से बोले या भाजपा की तरफ से बोले, मैं पार्टी के विषय में नहीं बोल रहा हूँ। विष्णुदास जी संत जी पार्टी का नाम ही मत लो, आप फिर बोलो उसको तारीफ करोगे तो देखिए, अगर उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन को, सनातन को देखिए नहीं, भाजपा का नाम लेके सारे बात को मिट्टी बंद कर दिया आपने, जो मेरे आपका अपना सम्मान है, अपना सम्मान को ना खोए, पार्टी विशेष को करके आपका सम्मान कम हो जाएगा, पार्टी विशेष के साथ मत बोलिए, वही स्वामी प्रसाद मौर्य है जो हमारे रामचरितमानस पे बेल लगाने के लिए बोलते हैं, ब्राह्मणों को लिए बोलते हैं, गलत टिप्पणी करते हैं, वही इनके तो आप लोग कार्यकर्ता है, क्यों अखिलेश यादव जी से क्यों नहीं कहते कि वो देखिए मैं यही क्लियर करना चाह रही थी, विष्णुदास जी एक सेकंड रुकिए, आपका ही पक्ष रख रही हूँ, देखिए वो कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, वो सनातन की बात करती है, क्योंकि आपकी ही पार्टी के बहुत सारे लोगों ने इस बीच अनर्गल बयानबाजी सनातन को लेकर की, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे हो जिन्होंने समर्थन किया, स्टैलिन हो, तमाम ऐसे इस वक्त हमने देखा, तो अगर उन्हें लगता है तो देखिए उनकी व्यक्तिगत राय है, हम उन्हें किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं कर सकते, आप अपनी पार्टी के अगर आप अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं तो वो, उनको अगर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात करती है और अगर वो एड ऑन करना चाहते हैं तो उनकी इच्छा है। हाँ ठीक है, जेपी लोहिया जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। देखिए अभी दोनों मेरे साथियों ने जो अपनी बात कही है और आप हमारा नेशनल टीवी पर हम लोग बैठे हुए हैं और आप बहुत बड़ी एंकर है, बहुत सम्मानित एंकर है, मैं आपका व्यक्तिगत तौर पर भी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, जो इन्होंने बात, जिस बात पर उन्होंने डिनाई किया कि कर्नाटका सरकार का जो नोटिफिकेशन था, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप करके भेज दूंगा और आप दोनों भाइयों को इनको भेज दीजिएगा, और आप भी जानते हैं कि कर्नाटका सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया है, क्योंकि आपकी नॉलेज में है ये चीज, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत समझदार, आपकी भी नॉलेज में है, खैर उस मुद्दे पे मैं नहीं कहा, अभी जिस मुद्दे को स्वामी जी ने उठाया, देखिए इसकी मूल बात पर जाना पड़ेगा, आज स्टालिन को क्यों ये जरूरत पड़ी कि सनातन के खिलाफ बोला जाए, क्यों ये राजा जी को ये बात कहनी पड़ी कि सनातन के खिलाफ किया जाए, बोला जाए, ये बात बहुत सोचने की और बहुत गंभीरता से सोचने की, अगर यही बात किसी एक विशेष समुदाय के लिए बोली जाती तो आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर कैसा भूचाल आता, कोई शब्द नहीं बोल सकता खिलाफ, तो अगर स्टालिन ने बोला या ए राजा ने बोला या वहां के पौंडमोड़ी शिक्षा मंत्री या उन्होंने और ये सारे लोग उस गठबंधन के साथ ही, मैं आपकी तरफ से सहमत हो सकता हूँ एक बार कि उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, मैं आपकी तरफ से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन ये लोग भी तो अपना स्टैंड क्लियर करें, ये लोग भी तो उसके लिए सामने खड़े होकर बोले कि स्टालिन के बेटे ने जो बोला है वो गलत बोला है, ये राजा ने जो बोला है वो गलत बोला है, और बोली मोरी ने जो बोला गलत बोला है, सनातन हम तो आप गाली दे रहे, देखिए मोदी जी का विरोध समूह में आता है, ठीक है आप करेंगे, अरे कम से कम आज के दिन में तो जब G20 पूरे भारत के लिए एक इतना अच्छा मौका रहा है जिससे कि पूरे भारतवर्ष की प्रशंसा आज पूरे वर्ल्ड में हो रही है, तो कम से कम G20 के लिए भी दो शब्द बोल देते, वो खाली मोदी जी का नहीं था, 140 करोड़ भारतवासियों का था G20 भी, अगर वो नहीं सिर्फ मोदी जी का था, विदेशी अखबार की कटिंग भेज दूंगा मैं आपको व्हाट्सएप पे, यही डूबा,
मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मोदी जी के विरोध करते 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 आप राष्ट्र के विरोध पर खड़े हो गए। 140 लोगों का पैसा का उपयोग हुआ है, प्रमोशन से एक ही आदमी को 18 साल का हुआ है, सनातन धर्म के विरोध पर खड़े हो गए। तो देश की जनता बहुत नजदीक से आप लोगों को देख रही है, क्योंकि देखिए भारत की जो संस्कृति है ना उसको आज तक कोई खत्म कर पाया है और ना कोई खत्म कर पाएगा। भारत के सनातन धर्म को ना कोई खत्म कर पाया है ना कोई कर पाएगा। आप जितना विरोध करना चाहे, आप स्वतंत्र हैं, आप आजाद हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि कम से कम उन 140 करोड़ देव खुले भारतवासियों में आप लोग भी आते हैं, तो कम से कम अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। अगर स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म पर कोई व्यसन उठाया है या सनातन धर्म को गाली दी है, तो आप लोगों को सामने आके बोलना चाहिए था कि स्टालिन के बेटे ने गलत बोला है, ये राजा ने गलत बोला है और इसके लिए माफी मांगे। अगर यही बात एक समुदाय विशेष के लिए होती तो आप ठीक है। अमित चंद्रकार जी, अमित चंद्रकार जी देखिए, ये जो सनातन धर्म की जो बता रहे हैं कि स्टालिन ने ये बोला वो बोला, जो भी बात बता रहे हैं, पहली बात ये उनका अपना पार्टी का अपना नीति है। हम कोई कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रमोट नहीं किया या प्रोवोक नहीं किया हमको, है ना। और जब हम जब हमारी बारी आएगी हम अपने तरफ से बता चुके हैं, करिए स्टालिन के लिए उन्होंने गलत आपकी आवाज कट रही, क्या बोले? हेलो, मेरा कहना यह है स्टालिन के बेटे ने जो शब्द सनातन धर्म के लिए बोले हैं आप उसके लिए उसको कंट्रोल कीजिए, बोले कि सनातन स्टालिन के बेटे ने कौन बोला। देखिए स्टालिन के बेटे ने जो बोला उसको कांग्रेस पार्टी ने क्या बोला, अभी कोई वक्तव्य नहीं दिया है ना। हम स्टालिन को कोई प्रमोट नहीं करते, वो उनका अपना यही आप लोगों की सही समझी रणनीति है, कोई संपत्ति नहीं है। ये देश सनातन जो यथाकाल से चल रहा था वो ऐसा ही है, किसी एक इंसान के बोलने से ये चीज बिगड़ जाएंगी, इस बात को समझिए। और आप धर्म के नाम पे, मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी पूर्वक बोलना चाह रहा हूँ कि आज देश को किस चीज की जरूरत है, हम उस पे ना बात करके हम धर्म की बातें कर रहे हैं, सिंबल पे बातें कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं सर विष्णुदास जी से ये प्रश्न पूछ रही हूँ, लेकिन सनातन का मुद्दा इतना हावी होने लगता है कि सब उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगता है। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया मुझे चाहिए नहीं थी, हम बात कर रहे थे ड्रेस कोड की, संसद नई संसद की, नई संसद में जो सत्र आहूत होना है उसकी, साथ ही साथ जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है और जिसका विरोध किया जा रहा है, और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की भी, क्योंकि इंडिया गठबंधन ये भी कहा जा रहा है, कई लोगों की इस पर भी प्रतिक्रिया आई है कि इंडिया गठबंधन से डरने की वजह से कमल का फूल भी ड्रेस कोड में आ गया है। हाँ जेपी लोहिया जी, उसके बाद मोहम्मद अब्बास जी आपके पास आती हूँ मैं। देखिए मैं अभी आपने जो मूल प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं बधाई देता हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन। आप मेरी मैं जो आपसे एक बात सवाल करना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो उसी में मैं जवाब हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कर सकता हूं आपसे। देखिए हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं और यहां पर अधिकांश क्या होता है कि संयुक्त परिवार में लोग रहते हैं, आप भी संयुक्त परिवार में से ही आते हैं, ये बात बताइए एक संयुक्त परिवार में अगर एक साथ खाना बनता है और उसी संयुक्त परिवार को अगर डिवाइड किया जाए, अलग अलग कर दिया जाए और उनका अलग अलग खाना बनाया जाए, तो ये मेरा सवाल है कि संयुक्त होने के बाद फर्क कम होगा या डिवाइड होने के बाद फर्क कम होगा। जेपी लोहिया जी की आवाज अब तक ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, प्लीज पहले उनकी आवाज को फिक्स किया जाए ताकि उनकी आवाज स्पष्ट आ सके हम तक। जेपी लोहिया जी हम वापस आते हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, काफी ब्रेक कर रही है। मोहम्मद अब्बास जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए इंडिया गठबंधन को लेकर भी बड़ी सारे सवाल जो है वो सरकार द्वारा बीजेपी द्वारा उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, और इस सत्र को लेकर भी देखिए चाहे सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी हो, इस सत्र को लेकर तमाम सवाल खड़े किए हैं। पार्टी आपकी पार्टी की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन है? इंडिया गठबंधन मजबूत है और एक अकेला का नारा लगाने वाले इंडिया में 28 हैं, वहां 38 हैं,
और ऐसे ऐसे से भी गठबंधन किया जिसका एक भी सांसद पार्लियामेंट में नहीं है। मतलब जो भी जहां भी जैसा भी भारतीय जनता पार्टी डर रही है, मोदी जी डर रहे हैं, डर के मारे इंडिया से डर गए। अरे क्या क्या बदलोगे इंडिया के नाम पे, इंडियन ऑयल बदलोगे, खेलो इंडिया बेचोगे, अमूल पीता है इंडिया, क्या क्या बदलोगे। जब संविधान बना और संविधान के शब्द को इंडिया दैट इज भारत, जो संघ है, भारत तो है सदस्य, कल को बीजेपी वाले अगर कह लेंगे हम तो हिंदुस्तान रखेंगे इसका नाम, ये तो उलझाने के लिए, इन पे कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दों से भटकाने के लिए सब कर रहे हैं। लेकिन इंडिया का मतलब है पूरा भारत, 140 करोड़ का भारत, संविधान की मूल भावना, अंबेडकर जी का संविधान, गांधी जी का संविधान, गांधी जी का भारत, गोडसे का भारत नहीं है, देश का प्रथम आतंकवादी जो था ये उसका भारत नहीं है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भारत है, अंबेडकर जी का भारत है, और अंबेडकर के वंशज भी इस भारत में जो भी हैं, अगर वो बोध है तो उनका भी अधिकार उतना ही है जितना सबका। इसलिए ये इंडिया के गठबंधन से डरे हुए हैं। चले विष्णुदास जी, इस पर आपका भी रिएक्शन लूंगी मैं। इंडिया को भारत कहा जा रहा है जी। देखिए मेरा यही कहना, ये मेरे राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, और इस पे महाऋषि और महाराजा लोगों ने यहाँ राज किया है। भारत का नाम भारत रखना चाहिए, इंडिया नाम नहीं होना चाहिए। ये जो आज तो अभी तक जब इंडिया ही था तो आपने आपत्ति क्यों नहीं जताई, अब क्यों, अब वो अगर भारत कह रहे तो क्या। यदा यदा ही धर्म से ग्लानी भवति भारत, अभ्युत्थाने सृजनम प्रत्राय साधु नाम विनाशकाय दुष्टता। ये इंडिया जो है ना, ये दुष्टों का नाश करने के लिए इकट्ठा हुआ है, समझ लेना। बहुत दिन तक मणिपुर कर लिया, बहुत दिन तक अडानी को माल पिला दिया, बहुत दिन तक कंपनियां बेच दी, बहुत दिन तक बेरोजगारों की संख्या जहां वादा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का था। भारत का नाम इंडिया नहीं होगा। और दूसरी बात, जो अभी आप कह रहे थे कि मोदी जी डरे हुए हैं इंडिया से, तो मोदी के ऊपर राम जी का हाथ है, राम जी का आशीर्वाद है, और जो राम का आशीर्वाद होता है वो डरता नहीं है। ये भारत है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रह के रहेगा। इंडिया जब था, किसी का सत्ता आ गया था, किसी का राज था, तो राज के समय पे तो कोई भी अनेक प्रकार का नाम रख सकता है। वह ऐतिहासिक और संस्कृति, सनातन धर्म और वेद शास्त्र में ये भारत है, भारत था और रहेगा भारत ही नाम। अगर इंडिया नाम का संत सभा हिंदू मार्च विरोध करेंगे, क्योंकि इंडिया एक कोई हमारे संस्कृति सनातन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, क्योंकि लिखा अक्षरम ही परम ब्रह्मा। अक्षर से जब मंत्रों में मिलन हो जाता है तो वो शब्द का निर्माण हो जाता है, और जब शब्द का निर्माण होता है तो वो अनुचित होता है। जेपी लोहिया जी, मोहम्मद अब्बास जी, लेकिन काफी इंप्रेसिव था कि आपने वो पूरा सुनाया हमें। जेपी लोहिया जी, हम तो वही समाजवादी हैं जो गीता भी पढ़ते हैं, वेद भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, और संविधान भी पढ़ते हैं। चलिए, संविधान की मूल भावना जेपी, स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों आपने नहीं पढ़ाया? स्वामी प्रसाद मौर्य आपका ही तो पालसी करता है, उसको क्यों नहीं पढ़ाया? मोहम्मद अब्बास जी, देखिए वैलिड पॉइंट है कि अगर आप कुरान भी पढ़ते हैं, अगर आप कुरान भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, पढ़ाइए उनको, पढ़ाइए, तो आप तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान का सवालों का जवाब नहीं कर रहे, उनके सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है, जेपी लोहिया जी, जेपी लोहिया जी, अपनी बात को पूरा करेंगे, अनम्यूट कीजिएगा जेपी लोहिया जी, अनम्यूट करिए। ठीक है, विष्णुदास जी प्लीज पेशाब करना कौन सा धर्म है? ये दलितों के उनके पैर धो, ये धर्म होता है? ठीक है, अब्बास साहब ठीक है, अब्बास साहब ये गलत है, अब्बास साहब दलितों की तुम पेशाब पे नहीं बोलेंगे। दलित व्यक्ति पे खड़ो के आदिवासी पेशाब किया जा रहा, वो सवाल कर रहे हैं तो मोहम्मद अब्बास जी, मुजरिम को छुपाया जाएगा? अब्बास जी, मोहम्मद अब्बास जी, ठीक है, मुझे और लोगों का भी रुख करना है, प्लीज विष्णुदास जी, प्लीज विष्णुदास जी, मुझे और लोगों के पास भी जाना है। जेपी लोहिया जी, फटाफट अनम्यूट कीजिएगा। अब्बास भाई, थोड़ी जी आवाज आ रही है। अब्बास भाई, थोड़ी डिबेट की सुचिता को बने, आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा।
मैंने अभी जो मैं बात आपसे पहले कह रहा था कि मुझे एक सवाल अगर आपकी इजाजत हो तो सवाल कर सकता हूँ आपसे। जी जी मैंने मुझे दो लाइनों में बस मेरे सवाल में ही आप मेरा जवाब भी हो। मैंने ये सवाल पूछा था कि आप एक संयुक्त परिवार से रहती हैं और संयुक्त परिवार के अंदर जब भोजन बनता है, जब खाना बनता है और उसी संयुक्त परिवार को अगर हम डिवाइड कर दें, अलग अलग कर दें, अलग अलग हो जाए और उनका अलग अलग सबका भोजन बन, तो क्या एक साथ भोजन बनने में खर्च कम आएगा या संयुक्त परिवार में या डिवाइड परिवार में खर्च कम आएगा? मैं ये पूछना था। अगर मैं इसके लिए एक शहर के शेर में जवाब दे दूं? जी अब्बास जी, एक शेर से जवाब देना चाहूंगा। ठीक है अब्बास जी को सुन लीजिए, फिर मैं जवाब देती हूं। अब्बास जी जवाब देते हैं, फिर मैं देती हूं आपको। जीपी लोहिया जी, मैं देती हूं आपको जवाब। हाँ अब्बास जी, आपने कहा ना संयुक्त, उसके उसमें एक शेर है कि मेरे पैमाने में कुछ, तेरे पैमाने में कुछ, देख साखी ना हो जाए मैखाने में कुछ, सबके पैमाने में जब बराबर डलेगा तो कोई जवाब नहीं का। जब एक से छीन एक का जाएगा, जब नौकरियां छीन जाएगी, दलितों का आरक्षण छीना जाएगा, बेरोजगारों को उनका हक दिया जाएगा, तो उथल पुथल तो होगी। वो पूछेंगे संयुक्त रूप का मतलब ये नहीं है, सबको जब आप बराबर से देंगे तब संयुक्त। देखिए जेपी लोहिया जी, देखिए आपने जो सवाल पूछा मैं उसका मतलब भी समझ रही हूँ और देखिए जवाब मोहम्मद अब्बास से दे भी दिया, लेकिन बड़ी बात यह है कि मैं वन नेशन वन इलेक्शन की यहाँ बात नहीं हो रही। अगर ऐसा होता है तो वो तो बात के विषय है, लेकिन अभी तो सर अभी देखिए अभी तो यही कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी इस बात को क्लियर ही नहीं कर रही है कि हम ये जो सत्र आहूत कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये तो कयास है। अभी तक आपकी पार्टी ने भी इस बात पे मोहर नहीं लगाई है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर बुला सकता है। जब ये प्रयास लगाए जा रहे हैं और विपक्ष वाले लोग इतने डर रहे हैं तो फिर इतना हल्ला क्यों मच रहा है? और मैंने बस केवल एक सवाल पूछा था, अगर उसका आंसर नहीं, ये बात आपकी जायज है और हम इस बात हम तो डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय है। अगर लोगों को लगता है कि नहीं इससे प्रॉब्लम है या कैसे आप करा पाएंगे, देखिए इसमें चुनौतियां हजार है, आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। अमित चंद्रकार जी, देखिए ये एक शगुफा है, ये मुद्दा और कुछ नहीं है, ध्यान भटकाओ, एक पॉइंट डाल दो, पुड़िया फेंक दो, उसी में चर्चा चलती रहे, ठीक है ना? क्योंकि जब हमारी अध्यक्षा ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा कि विशेष सत्र बुलाने का कारण क्या है, जो आज तक अभी तक कोई कोई जवाब नहीं मिला है ना, उन्होंने बोला कुछ है लेकिन पता नहीं क्या है, ठीक है, हमको कोई अभी तक जवाब नहीं दिया गया है ना, और 18 से चालू है सत्र, तो कहने का मतलब ये बताना ये चाहता हूँ कि बातें बहुत बड़ी बड़ी मतलब बहकाने के लिए तो छोड़ दी जाती है, लेकिन कोई ठोस कुछ बात कोई हो नहीं रही है। वन नेशन वन की बात हो रही है और पता नहीं अन्य बहुत सी योजनाएं होंगे, लेकिन अभी तक तो कोई बताया नहीं गया है। वन नेशन वन पे हमारी स्टेट और भी क्लियर होगी जब एक बार चीजें जब सामने पटल पे आएंगी, अगर चीजें हम अपना स्पष्ट जरूर करेंगे तो क्या क्या चुनौतियां, उस चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा भाई, ये भी देखा जाएगा है ना, तो समय पे हम बताएंगे इस बातों पे। लेकिन अभी फिलहाल अभी हमको लगता है कि ये कुछ नहीं है, बस बड़े मुद्दों से हटाने के लिए एक पुड़िया फेंक दिया गया है, इसी में चर्चा करते रहे। महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे जिनको विपक्ष लेकर चल रहा था उनसे ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आए। ठीक है जेपी लोहिया जी, फटाफट इस पर आप 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। जी 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 कंटिन्यू करिए। अभी आपने भारत पर सवाल किया था, देखिए मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, अभी तक किसी ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया है कि इंडिया को हटाया जा रहा है, एक बात जिसके ऊपर विपक्ष वाले इतना हल्ला मचा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जब हम लोग सदन में ओथ लेते हैं क्या बोला जाता है, मैं भारत की संप्रभुता अखंडता की कसम खाता हूँ, यही बोला जाता है। राष्ट्रगान के अंदर क्या आता है, भारत भाग्य की गाथा। तो जब सारी चीजों में सारे मामलों पर जब भारत आ रहा है, भारत है और भारत रहेगा, तो आप लोगों को भारत से इतनी नफरत क्यों हो गई? नहीं नहीं भारत से नफरत नहीं, भारत से नफरत नहीं है, भारत से नफरत नहीं। उनका मतलब है कि इंडिया अलायंस से तो आप इंडिया को हटाना चाहते हैं, ऐसा
विपक्ष का सोचना है। खैर, हमारे पास वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मंथन में आज हम बात कर रहे थे जो सत्र आहूत होना है उसको लेकर, नई संसद नई सत्र और नया ड्रेस कोड। उस ड्रेस कोड में कमल का फूल कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए शूल बनता हुआ नजर आ रहा है। मंथन फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।